कोई शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दोहरी संख्या में पहुंच गया है, जिसके चलते बीते कुछ दिनों पहले पालक मंत्री नितिन राउत की उपस्थिति में बैठक ली गई, जिसमें नियमों को कड़ा करते हुए फिर एक बार 4 बजे तक दुकानें खुली करने जैसे आदेश पारित करने की जानकारी दी गई। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। त्योहार सामने है, बाजार उत्साहित था, व्यापारी आशावान थे, अच्छे कारोबार का सपना हर कोई देख रहा था, ग्राहक भी इस बार खरीदी के मूड में थे। मार्केट में उतरने ही वाले थे कि पालक मंत्री ने पुनः बाजार बंद करने का इशारा कर दिया। पालक मंत्री की घोषणा के बाद से एकाएक बाजार का मूड निराशा में बदल गया। निराश व्यापारी से लेकर आम जनता तक इस घोषणा को अन्यायकारक तर्कहीन बता रहे हैं। इसके पीछे उनका भी तर्क है। नागपुर सहित विदर्भ भर में इस परिस्थिति बैन लगाने लायक नहीं है। उंगलियों में गिनने लायक कोरोना के मामले ही सामने आ रहे हैं, जो स्थिति के नियंत्रण में रहने का स्पष्ट संकेत है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। पालक मंत्री नितिन राउत की उपस्थिति में बीते कुछ दिनों पहले विभागीय आयुक्त में बैठक ली गई, जिस दौरान निर्णय लिया गया कि कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, इसी के तहत निर्णय लिया गया है कि 3 दिनों के भीतर जो है वो 4 बजे तक दुकानें शुरू रखी जाएगी, उसके बाद फिर से वही बंद रखी जाएगी। इस बीच हमारे है नागपुर के सबसे व्यस्ततम सीताबर्डी मार्केट में, जानने के लिए कि व्यापारियों की इस संदर्भ में प्रतिक्रिया क्या है। व्यापारियों का इस पे कड़ा विरोध रहेगा, क्योंकि जब से बाजार खुले हैं तब से हमको नहीं लगता कि किसी भी प्रॉपर दुकानदार ने कभी कोई नियम का उल्लंघन किया हो। सब लोग अपनी शॉप्स में बराबर सैनिटाइज़र, मास्क और सब चीज़ों का प्रॉपर प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई है जो 0.2% के ऊपर भी अभी तक अपना पॉजिटिविटी रेट नहीं गया है, और इतने कड़े निर्बंध नागपुर जैसे शहर में लगाना अभी उसकी नौबत नहीं आई है बिल्कुल भी। कल लोग त्योहारों को भी इतना भीड़ में और इतना उस तरीके से नहीं मना रहे हैं, सब लोग अभी उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, सबको बीमारी का डर है। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि कोविड को अगर हमें रोकना है तो बाजारों को बंद कर दो। उससे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या तकलीफ़ें दुकानदारों को आ रही है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की जो पोजीशन है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मुझे लगता है इतने कड़े निर्बंध लगाने की अभी समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं सीताबर्डी से बोल रहा हूँ, मेरा बर्डी में शोरूम है। एक्चुअली अभी जो प्रशासन ने जो डिसीज़न लिया हुआ है कि जो अभी डेल्टा या अभी जो कोविड थोड़ा फिर से दस्तक लिया हुआ है, और उससे प्रिकॉशनरी 4 बजे से मार्केट बंद किया जाएगा और वीकेंड बंद किया जाएगा, हम व्यापारी वर्ग इसके एकदम खिलाफ है। अगर 4 बजे तक के ही मार्केट रखते हैं तो मार्केट में क्राउड जो सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक होता था वो 4 बजे तक के समय के लिए दुगना क्राउड हो जाएगा। तो प्रशासन जो चाह रहा है वो चीज़ होने वाली ही नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम टाइमिंग एटलीस्ट 6 से 7 बजे तक कम से कम होना चाहिए, जिससे मार्केट में भीड़ कम हो। क्योंकि प्रशासन तो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक बिल वक्त के ऊपर चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक बिल नहीं की भरा तो कट करता है, पानी का बिल चाहिए, लेकिन ये व्यापारी वर्ग करेगा क्या इसमें? हमको भी थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए उससे, जिससे हम लोग हमारे व्यापार को इतना 1.5 साल से हम लोग पूरा प्रशासन को सपोर्ट करते आए हुए हैं और आगे भी डेफिनेटली करेंगे। अगर केसेस बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते तो 100% लॉकडाउन लगाना है तो भी हमारी सहमत, हम लोग उसमें प्रशासन के साथ में रहेंगे। मेरा नाम राजेश है, मैं सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन से हूँ और मेरी यहाँ पर शॉप है बर्डी में। तो ये जो लॉकडाउन का अभी राउत साहब ने जो बोला है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है और 4 बजे तक, तो ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इतना कोई ज़्यादा पेशेंट्स आए नहीं है कि उसके लिए इतना जल्दी लॉकडाउन के लिए लोग सोच रहे हैं, कम से कम उसको 10-12 दिन और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमको बिल्कुल भी ये चीज़ मंजूर नहीं है। करने ही है आपको, ठीक है 7 बजे तक कीजिए वो हमको चलेगा एक बार का, लेकिन ये चीज़ जो है अब नहीं चलेगी हमको। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान है। पहले ही थोड़ा अभी थोड़ा स्टेबल हुआ था, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा स्टेबल हो गया, 20-30% हम लोग अभी थोड़े ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ठीक हो गए।
तो ये चीज अभी हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। व्यापारियों का कहीं ना कहीं कड़ा विरोध इस जो निर्णय लिया जा रहा है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते कि अगर ऐसा फिर से किया गया तो हमें ये पूरी तरह से अमान्य है। तो अब देखना होगा कि क्या फिर से जिस प्रकार पहले व्यापारियों की ओर से आंदोलन किया गया था, क्या फिर से व्यापारियों की ओर से आंदोलन किया जाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा अटौर, BCN न्यूज, नागपुर।